मेडिकल दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मुफ्त में मिल सके। हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका मेडिकल दोस्त और मेरे इस मेडिकल दोस्त चैनल में आप सब लोगों का बहुत ही स्वागत है। आज हम जिनकोविट सीएल सिरप का फुल रिव्यू करेंगे। बहुत से लोगों के मन में ये होता है कि दवाइयाँ खा के मोटे हो जाएंगे। कोई भी दवा बिना खाना खाने के बगैर काम नहीं करती। खाना ही एक ऐसा जरिया है जिससे हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, तभी दवाइयाँ ज़्यादा असर करती हैं। कुछ लोग बिना खाना खाए ही दवाइयाँ लेते हैं, दवाई अपना असर नहीं दिखा पाती, इनके शरीर पर कोई भी दवा काम नहीं करती है। तो दोस्तों, वज़न बढ़ाने के लिए और ताकत के लिए किसी भी दवा के साथ खाना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैं जिनकोविट सिरप के बारे में बता रहा हूँ जिससे प्रॉपर खाने के साथ लिया जाए तो वज़न बढ़ाने के लिए बहुत असरदार सहायक होती है। आज के इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि ये सिरप कैसे काम करती है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, लेने का सही तरीका क्या है, और लास्ट में बताऊंगा कि इसके साथ क्या खाना चाहिए जिससे फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ये जिनकोविट एलर्ज सिरप है जो कि एपेक्स फार्मा का बनाया हुआ प्रोडक्ट है और जिसके प्राइस पे हम नज़र डालेंगे, जिसकी प्राइस मात्र 119 रुपये है। और एपेक्स फार्मा जो है काफ़ी बेस्ट कंपनी है और डॉक्टर लोग इस पे बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। और इस पे ये 200 ml का बाटल मात्र आपको 119 रुपये में मिल जाएगा। और ये देखिए, ग्रीन कलर का ये बिंदु है जो ये दर्शाता है कि 100% ये वेज है। और ये देखिए, इस पे FSSAI द्वारा प्रमाणित है, यानी कि इसको लेने के लिए डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जिनकोविट एलएस सिरप में ढेर सारे विटामिन एंड मिनरल हैं, जैसे कि एनर्जी इसमें दिया हुआ है 14 कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट 2.5 ग्राम, फैट 0 ग्राम है, एल लाइसिन 100 mg दिया हुआ है, विटामिन सी दिया हुआ है, विटामिन B3 दिया हुआ है, जिंक दिया हुआ है, विटामिन ई दिया हुआ है, विटामिन B5 दिया हुआ है, विटामिन 1 दिया हुआ है, विटामिन 2 दिया हुआ है, विटामिन 6 दिया हुआ है और विटामिन ए भी दिया हुआ है जो हमारी आँखों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और इसमें देखिए आयोडीन भी दिया हुआ है और कॉपर है और सेलेनियम है। इस तरह के ये विटामिन बी के पूरे इसमें रेंज डाले गए हैं, यानी कि विटामिन B1, B2, B3 और सारे विटामिन इसमें डाले गए हैं। साथ में ही इसमें कॉपर सेलेनियम भी है जो कि हमारे बॉडी को फिट रखने में मदद करता है। देखिए, जो जिनकोविट सीएल सिरप है इसे डायबिटीज़ के पेशेंट को नहीं दे सकते हैं क्योंकि उनका शुगर लेवल जो है बढ़ जाएगा। अगर कोई भी विटामिन मल्टीविटामिन सिरप या सिरप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस पर देख लें कि उस पर शुगर फ्री लिखा हो, तभी डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, जो ये जिनकोविट सीएल सिरप है यह हमारे भूख को बढ़ाता ही है, साथ में जो हम खाते हैं वो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होता है और हमारे बॉडी को हेल्दी और मोटा बनाता है, और साथ में ही हमारे जो पिचके हुए गाल हैं उसे भी फुलाता है। और हम किसी लंबे बीमारी से अगर ग्रस्त हैं और उससे आई जो कमज़ोरी है वो भी दूर होता है। और साथ में अगर हम कुछ भी खाते पीते हैं जो हमारे शरीर पे नहीं लगता, जिसके कारणवश हम बहुत ही कमज़ोर और दुबले पतले दिखते हैं, तो ये सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं जिनकोविट सीएल सिरप से। अब हम जानेंगे इस जिनकोविट सीएल सिरप के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। वैसे देखा गया है कि इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, पर इसको नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट दिख सकता है, जैसे कि इचिंग, उल्टी जैसा होना, सूजन शरीर में, दस्त जैसा लगना, और इसमें
और इनमें से कोई भी साइड इफेक्ट दिखे तो अपने डॉक्टर से जाके मिलें। अब मैं आपको इसके लेने का सही तरीका बता रहा हूँ, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। बेटर रिजल्ट के लिए आपको इसके खाना खाने के बाद लेना है। ध्यान रहे कि आप इसको दो बार ही लें, यानी कि सुबह शाम ही लें, और दो बार से ज़्यादा इसका इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, अगर आप इस सिरप को का यूज़ करते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, आप अगर पहले से कोई मल्टीविटामिन सिरप ले रहे हैं तो इसका यूज़ ना करें, नहीं तो ओवरडोज हो सकता है। अब अगर इस सिरप का यूज़ करते हैं तो अल्कोहल यानी कि शराब का इस्तेमाल ना करें। प्रेगनेंसी में पहले से ही मल्टीविटामिन चलते रहते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें, और बच्चों की पहुंच से इस जिनकोविट सीएल सिरप को दूर रखें। तो दोस्तों, अब मैं बताता हूं कि वज़न बढ़ाने के लिए आपको अपने खाने में क्या क्या लें। प्रोटीन शेक लें, प्रोटीन से बने चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करें, जैसे मछली, अंडा, अंकुरित चने, चिकन, दूध और दूध से बनी चीज़ें, और इसके साथ साथ ही फलियां, मेवा, बीन्स भी साथ में लें। जिनकोविट सिरप के बारे में ये सब कुछ था। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर मन में कोई भी शंका हो तो हमें कमेंट करें, हम आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई देंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।